क्या आप जानते हैं फोटोशॉप के इन तीन ट्रिक का यूज करके हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, ट्रिक नंबर वन देखते हैं। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन कर ली। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मेरे पास एक फोटो है और ये टी शर्ट की फोटो है। यहाँ पे अगर मुझे कुछ मैंने इस तरह की कटिंग करके रखी है तो मुझे यहाँ पे कोई फोटो लगानी है। बहुत से लोग जो कॉरल ड्रा यूज करते हैं वो एक पावर क्लिप की कमांड का यूज करते हैं, और फोटोशॉप में पावर क्लिप की कमांड कैसे यूज की जाए चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हमने ये कटिंग कर लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक कटिंग करके रखी हुई है। अब क्या करना है, आपने जो भी फोटो लगानी है, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये फ्लावर्स हैं ये ऑटोमेटिकली इस कटिंग्स में सेट हो जाएं और मुझे कटिंग भी ना करनी पड़े। करना क्या है, हमें इस फोटो को हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ऐसे कंट्रोल टी का यूज किया। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सेटअप कर लेना है। मुझे इस एरिया में इसको लगाना था तो मैंने कुछ ऐसे सेटअप कर लिया। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कह दिया था कि मुझे इसकी कटिंग नहीं करनी है तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कैसे सेट होगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि लेयर टू, लेयर वन और बैकग्राउंड हमारी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेयर टू है, लेयर वन है और बैकग्राउंड है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि जो लेयर टू है इस पर क्लिक कर देना है, देन अल्ट प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है, और इसको धीरे से कर्सर को यानी इस हैंड को नीचे लेके आना है। तो आप गौर करेंगे कुछ इस टाइप का निशान आ जाएगा, और जैसे ये निशान आएगा आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप गौर करेंगे कि टी शर्ट जो है वो उसी फ्लावर के शेप में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई और मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। बट सेट होने के बाद अगर आपको लगता है कहीं पे तो आप कंट्रोल टी का यूज करके अगेन उसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे जैसा कि देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, टी शर्ट के अंदर ही रहेगा, यानी जो हमारी कटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये सेट रहेगा। जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी लेयर की कटिंग करके इसे सेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ। जैसा कि आप मेरे पास ये फोटोएं देख रहे हैं, दो फोटोज मैंने लेके रखी हुई हैं, एक ये फोटो और एक ये फोटो है, और ये मेरे पास कुछ फ्रेम पड़े हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इन फ्रेम्स में क्या है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि फ्रेम जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में है, और जेपीजी फॉर्मेट में फ्रेम में अगर मुझे इसे एक फोटो को लगाना है, मान लीजिए इस फोटो को ही मुझे इस फ्रेम में सेट करना है, अगर मैं इसे डायरेक्टली लेके जाऊंगा तो आप खुद जानते हैं कि लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि जो फोटो है ऑटोमेटिकली इस फ्रेम के अंदर सेट हो जाए और अकॉर्डिंग टू मेरी कंडीशंस के वो सेटिंग में रहे, कि मुझे इस जैसे कटिंग साइड साइड में है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कटिंग वगैरह ना करना पड़े। पावर क्लिप का ना यूज करके डायरेक्टली आप इसे कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी लेयर जीरो, लेयर जीरो की ऑप्शन आ जाएगी, देन ओके कर देना है। जैसे आप करेंगे तो वहाँ बैकग्राउंड अब जीरो में कन्वर्ट होगी, और फोटोशॉप में सभी ये जानते हैं कि अगर लेयर्स है तो आप उसकी कटिंग करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैजिक बैंड का यूज करना है, यानी आपने इस टूल का यूज करना है, यह शॉर्ट कीज डब्ल्यू होती है, आप डब्ल्यू भी प्रेस कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, देन इसे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसे फेदर देना है, तकरीबन दो का या तीन का फेदर आप देके देन ओके करेंगे, और देन उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड यानी लेयर की जो वो थी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला वो डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को डायरेक्टली मूव कर लेंगे विदाउट कटिंग करे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कटिंग आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने फोटो को छोटी करके इसके ऊपर रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है जहाँ पे हमारी लेयर्स यानी शो कर रही है जीरो और वन, आपने जीरो को उठा के वन के ऊपर रख देना है, यानी इसे मूव कर देना है, और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी फोटो है वो पीछे जा चुकी है, और आप इसे हिला भी सकते हैं और कंट्रोल टी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इससे आपको बिना मेहनत के फोटो सेट हो जाएगी। सेकंड वही फोटो है, मैं अगर डबल फ्रेमिंग में भी करना हो तो फिर भी सेम ट्रिक है, डबल क्लिक करके जीरो बनाएंगे, जीरो बनाने के बाद मैजिक बैंड का यूज करेंगे, देन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्शन ले लेंगे, देन फेदर यूज करेंगे, फेदर यूज करने के बाद आपने ओके करना है, देन डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, सेम ऑब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने फोटो है उसे क्या करना है, मार्क्यू टूल यानी हमारी सिलेक्शन टूल ले लेना है ये वाला, और सर्कल बेस पे कटिंग, अगर सर्कल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा ये, क्योंकि वो लेयर्स पीछे रहेगी, और इसे मूव करके आप इसे यहाँ पे इजिली देन लेयर जीरो को उठा के वन पे रख देंगे। आप देखेंगे ये फोटो सेट हो चुकी है। हमारे पास जो दूसरी फोटो है सेम इस फोटो को भी हम क्या करेंगे, मूव करके लेके आएंगे कहाँ पे, अपने ऑब्जेक्ट में, यानी जो हमारा फ्रेमिंग है। फोटो सेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दोनों फ्रेम पे फोटोएं सेट कर दी हैं। आप कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तीसरी ट्रिक में हम क्या करेंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली एक बाहर से आउटर बॉक्स का फ्रेम बनाना है हमने, और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जिस चीज़ का फ्रेमिंग डिज़ाइन करना है, लाइक मैंने इसी फ्लावर्स का ही फ्रेम डिज़ाइन करना है और चारों तरफ मुझे ये फोटो के आउटपुट में चाहिए, देन हम क्या करेंगे करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके जीरो बनाना है जैसा कि मैंने पहले बताया है। देन उसके बाद आपने एक बॉक्स टाइप की सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद आपने इसे चारों तरफ से मेज़र कर लेना है कि ये बराबर है, और बेटर तरीका होता है कंट्रोल आर की यूज़ करके, ताकि आप इसका स्केलिंग यूज़ कर लें। राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे वाया कट की कमांड यूज़ करनी है। आप यहाँ पे गौर करेंगे कि आपके वर्स 1 और 0 बन चुकी है, तो आपने 1 वाली जो लेयर है इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपके पास ये चारों तरफ से एक फ्रेम टाइप का बन जाएगा, और आपने इस फ्रेम को ऐसे मूव कर लेना, चाहे फोटो इस पर रख दीजिए या इसको मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद कंट्रोल टी का यूज़ कीजिए। कंट्रोल टी यूज़ करने के बाद आपने इसको ऐसे आउटर फ्रेम में सेट कर देना है। अब इसे थोड़ा सा 3D लुक देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कमांड यूज़ करनी है बेवल एंड एम्बॉस की। जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, और आपने यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे साइज के ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि फ्रेम जो है वो थोड़ा 3D लुक में आ रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि फ्रेम को अगर स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक लगा दीजिए। अगर फ्रेम का कलर पसंद नहीं आता, ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट वगैरह भी यूज़ करके फ्रेम को डिज़ाइनिश कर सकते हैं। ओके कर देना है आपने। तो इस तरह आप फोटो के चारों तरफ फ्रेम बहुत जल्दी किसी भी तरह का वुडन का वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसे भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।